हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। हिंदी में हम इसको कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति। अब किसी सब्सटेंस की बात करें तो उसके लिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वैल्यू उसके मैग्नेटिक मोमेंट या म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब मैग्नेटिक मोमेंट या म्यू की जो वैल्यू हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, उस कंपाउंड के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उस कंपाउंड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट या म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, तो देखिए, जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके मैग्नेटाइज होने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मींस वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना अट्रैक्ट होता है वो ही उसकी मैग्नेटाइज होने की कैपेसिटी होती है। अब देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जब किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफरेंस होता है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी माइनस एच इज इक्वल टू 4πI। यहाँ पर बी जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से एच की बात करें तो एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो I है वो हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होता है उसकी इंटेंसिटी को हम यहाँ कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो उसके लिए जो B की वैल्यू है वो H से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स जितना मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उस कंपाउंड के लिए B की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो हम कह सकते हैं B की वैल्यू जो है वो हमेशा H से ज़्यादा होगी, या हम कह सकते हैं B की वैल्यू जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है। अब अगर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, तो इस वजह से उनके लिए जो B की वैल्यू है वो हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या H से कम होगी। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 को दोनों साइड से एच से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू 4πमल्टीप्लाई बाय आई अपॉन एच, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बी अपॉन एच माइनस 1 इज इक्वल टू 4πमल्टीप्लाई बाय आई अपॉन एच, या अगर हम 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 जो कि है बी अपॉन एच इज इक्वल टू 1 प्लस 4πमल्टीप्लाई बाई आई अपॉन एच। अब यहाँ पर देखिए, जो b अपॉन एच है उसको हम p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब p यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी या चुंबकीय पारगम्यता को प्रदर्शित करता है। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो b अपॉन एच की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में आई अपॉन एच जो है उसको हम स्मॉल के या काई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई अपॉन एच, स्मॉल के या काई, यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, या इसको हम सिंपली वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर इक्वेशन नंबर 2 में आई अपॉन एच की जगह अगर हम के लिखें तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से आई अपॉन एच की जगह हम काई भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राम ससेप्टिबिलिटी या मास ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। देखिए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम मास को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम ससेप्टिबिलिटी को ग्राम ससेप्टिबिलिटी या मास ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राम ससेप्टिबिलिटी को हम काई जी से रिप्रेजेंट करेंगे। काई जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी अपॉन डी। डी यहाँ पर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम लिख सकते हैं काई अपॉन
डी। इसी तरह से मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो अगर हम ग्राम ससेप्टिबिलिटी को सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नई वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम काई एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। अब देखिए मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या काई एम की जो वैल्यू है उसको हम गॉय मेथड से एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, और काई एम की वैल्यू के बेसिस पर फिर हम म्यू या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में।